नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अतीत अहमद ने मैदान छोड़ा। वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद ने मैदान से हटने का ऐलान किया है। मीडिया को भेजे गए पत्र अतीक ने पैरोल न मिलने को चुनाव से हटने का कारण बताया है। साथ ही कहा है कि वह किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि अतीक ने निर्दलीय नामांकन करने के बाद चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल की अर्जी दी थी। पिछले दिनों MP MLA कोर्ट व उसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी थी। अतीक के चुनाव एजेंट एडवोकेट शहनवाज आलम ने रविवार को अतीक का नैनी जेल से लिखा पत्र मीडिया को जारी किया। इस पत्र में चुनाव मैदान से हटने की बात लिखी है। पत्र में लिखा है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसे विचारधारा के लोग भी मौजूद है जो लोकतंत्र को संपत कर हिटलर शाही लाना चाहते हैं। पत्र में मतदाताओं से सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने की अपील भी की गई। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बदलने की धमकी दी, बोली इंच इंच का बदला लूंगी। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों की हुई वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी ने BJP पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल वोटिंग के लिए करने का आरोप लगाया है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भरे अंदाज में कहा कि मैं इंच इंच का बदला लूंगी, आपने मुझे और बंगाल को बार बार बदनाम किया है। ममता बनर्जी ने दक्षिण परगना जिले के बसंती इलाके में एक रैली में कहा, मैं केंद्रीय बलों का अपमान नहीं कर रही, लेकिन उन्हें मतदाताओं को प्रभावित करने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने के नाम पर BJP जबरन RSS और भाजपा कार्यकर्ता को यहां भेज रही है। उन्होंने कहा, मुझे शक है कि RSS कार्यकर्ताओं को वर्दी में पश्चिम बंगाल में भेजा जा रहा है। साथ ही बनर्जी ने कहा कि घाटल निर्वाचन क्षेत्र में BJP प्रत्याशी भारती घोष की सुरक्षा का प्रभार संभाल रहे केंद्रीय बलों के अधिकारियों की गोलीबारी में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल हो गया है। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।